एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 4। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 4 सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 हमारा क्या कहता है ये समझते हैं। हमारा क्वेश्चन 4 कहता है गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8, यानी कि ये वैल्यू हमें गिवन है। फाइंड साइन ए एंड सेक ए, और हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए एंड सेक ए, ये दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस गिवन वैल्यू को लिखेंगे और इस गिवन वैल्यू को सॉल्व करेंगे। क्यों वो भी बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 15 cot a इक्वल्स टू 8। अब cot a, sin a, sec a, ये तीनों हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। मतलब जैसे कोई भी नंबर मैं लिख लेता हूं 5/7, तो ऊपर भी एक वैल्यू होती है और नीचे भी एक वैल्यू होती है। तो ये पूरा का पूरा नंबर होता क्या है, फ्रैक्शन होता है। तो इसी तरीके से हम cot a की वैल्यू को भी फाइंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक cot a की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, तब तक sin a और sec a की वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू को नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे cot a इक्वल्स टू 8/15। अब ये जो cot a है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में आ गया है, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, sin a और sec a को सॉल्व करेंगे, ओके। लेकिन sin a के लिए क्या हमारे पास वैल्यूज हैं, और sec a के लिए क्या हमारे पास वैल्यूज हैं, तो कैसे पता करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले से। sin a का जो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और sec a जो कि हमारा cos a का अपोजिट होता है, वो होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। और cot a जो है वो हमारा tan का अपोजिट होता है, और tan हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो परपेंडिकुलर यहां पर है, यहां पर भी है, बेस यहां पर भी है, यहां पर भी है, बट हमारे पास हाइपोटेनस वाली वैल्यू कहीं नहीं है। और बेस हो, हाइपोटेनस हो या परपेंडिकुलर हो, तीनों वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ एक ही में आती हैं, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यूज को फाइंड करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसमें हाइपोटेनस वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास साइन ए और सेक ए की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे सबसे पहले अपना राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, और क्योंकि ए ए ए यानी जो जिस एंगल की बात कर रहा है वो एंगल है ए ए ए, तो हम क्या काम करेंगे, यहां पर ए एंगल ड्रॉ कर लेंगे, यहां पर बी, यहां पर सी, तो इस तरीके से ये एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है तो 8 लिख देंगे, बेस की वैल्यू 15 है तो 15 लिख देंगे, और अब हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो क्या करेंगे,
कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं, यानी कि अगर दो वैल्यू गिवन है और थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस फॉर्मूला या पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे, मैं इस पार्ट को इरेज कर ले रहा हूं। अब मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय अप्लाइंग पाइथागोरस फॉर्मूला। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग जब भी लिखोगे हमेशा डिटेल में लिखना, यानी कि पूरा का पूरा लिखना। पाइथागोरस की जगह मैंने पी लिख दिया तो आप लोग पाइथागोरस लिखेंगे, फॉर्मूला की जगह मैंने एफ लिख दिया आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। पाइथागोरस फॉर्मूला बोलो या पाइथागोरस थ्योरम, बात सेम होती है, ठीक है। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब कई बार क्या होता है, हम लोग बेस पहले लिख लेते हैं, हाइट बाद में लिख लेते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यूज से, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर यहाँ पे तो पहले बेस आता है फिर हाइट आती है, आपने हाइट पहले क्यों लिखा है, बेस बाद में क्यों लिखा है। आप कुछ भी लिख सकते हो, पहले बेस लिखना है बेस लिख दो, पहले हाइट लिखना है हाइट लिख दो, ठीक है। बट वैल्यूज को आप उसके अकॉर्डिंग ही पुट करो, जैसे यहाँ बेस लिख दिया तो बेस की वैल्यू पुट करनी है, हाइट लिख दिया तो हाइट की वैल्यू पुट करनी है, ओके। अब हाइपोटेनस हमारा है एसी का होल स्क्वायर, हाइट है हमारी बीसी का होल स्क्वायर, एंड बेस है हमारा एबी का या बीए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एसी की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हमें यही वैल्यू फाइंड करनी है। बीसी की वैल्यू हो गई 8। ध्यान रहे ये 8 जो है वो ना तो सेंटीमीटर में है ना ही किलोमीटर में, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू है, तो आप लोग भी न्यूमेरिक वैल्यू भी लिखेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर किलोमीटर मीटर इसमें नहीं घुसेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू है तो न्यूमेरिक में सॉल्व करना है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू के साथ यूनिट भी दी है मीटर सेंटीमीटर, तो आप मीटर सेंटीमीटर लगाएंगे, नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे, ये गलती नहीं करेंगे। बी ए की जो वैल्यू है दैट इज 15 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225, और ये हो जाएगा आई थिंक 9 एंड 289। अब एसी का जो स्क्वायर है उस स्क्वायर को हम शिफ्ट कर देंगे कहां पे, यहां पे, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, और 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। अब जिनको स्क्वायर रूट नहीं आता वो भी मैं समझा देता हूं, ओके। तो 289 का हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। अब 289 का जो फैक्टर है वो हमारा 17 के टेबल से जाएगा, 17 वन जा 17 और 17 सेवन जा हमारा कितना हो जाएगा 8 एंड 3 11 यानी 119 एंड 17 वन जा 17। अब ये क्या बन गई, पेयरिंग। तो जब भी किसी भी नंबर की पेयरिंग बन जाती है तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा सिंगल नंबर होता है, ठीक है। तो ये डबल नंबर था, इसकी जगह हमने सिंगल नंबर लिख लिया, ओके, आप भी ऐसा ही करना। अब भाई साहब हमारी हाइपोटेनस भी आ गई, तीनों वैल्यूज हमें चाहिए थी, तीनों हमारे पास आ गई। अब इन दोनों के फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज को पुट कर लेंगे और इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे हेंस साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर है अपना बीसी और हाइपोटेनस है अपना एसी, तो बीसी हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 17, सॉरी स्क्वायर रूट 17 नहीं 17 हो जाए, हमारा सेक ए हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी बी सी
अपॉन बी ए इक्वल्स टू सॉरी हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा, बी सी नहीं होगा, ए सी हो जाएगा एंड ए सी की वैल्यू है 17 अपॉन बी ए की वैल्यू है 15। तो इस तरीके से हमने अपना साइन ए और सेक ए फाइंड किया। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और 10th क्लास की मैथ्स में किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जांपल, अगर आपको उसमें डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।